नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वेव ऑन स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल्स ऑन अ टॉट स्टील वायर विथ वेलोसिटी वी व्हेन टेंशन इन इट इज 2.06 × 10⁴ न्यूटन। व्हेन द टेंशन इज चेंज टू टी द वेलोसिटी चेंज टू वी बाय टू। पहले वेलोसिटी वी था जब ये टेंशन था, और जब ये टेंशन हो गया तो वेलोसिटी वी बाय टू हो गया। तो बताना है द वैल्यू ऑफ टी, है ना, ये जो टेंशन है इसका वैल्यू बताना है। ठीक, तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है वेव ऑन स्ट्रिंग का, उसको हम लोग लिखते हैं अंडर रूट टी बाई म्यू। तो चूंकि स्टील वायर तो वही है, केवल टेंशन बदला गया है ना। तो पहले जब वेलोसिटी वी था तो सपोज टेंशन था टी वन या टी नॉट लिख देता हूँ, और जब वेलोसिटी वी बाई टू हो गया तो टेंशन जो है वो हो गया है टी, म्यू जो है वो अभी भी उतना ही है। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, है ना, इनका रेशियो निकालते हैं, मैं इसको ऊपर वाले से डिवाइड कर देता हूँ, नीचे वी रखेंगे और यहाँ पर टी नॉट बाई म्यू, तो इधर आ जाएगा 1/2 और इधर आएगा टी बाई टी नॉट का रूट। तो स्क्वायर कर देते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4 इज इक्वल टू टी बाई टी नॉट, तो टी का वैल्यू आएगा टी नॉट बाई फोर। टी नॉट का वैल्यू देखेंगे, क्वेश्चन में बताया गया इतना 2.06 × 10⁴ न्यूटन, 2.06 × 10⁴ न्यूटन डिवाइडेड बाई 4, है ना, तो ये आ जाएगा 5.15 अप्रोक्सीमेटली आएगा 10³ न्यूटन, है ना। ये देखेंगे सेकेंड वाले ऑप्शन में दिया गया है ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ।